उन्होंने आपके दो बड़े सपने तोड़े हैं पिछले साल वर्ल्ड कप, तो छोटी देन इस टीम साल कैसे एशिया कप भेजी? में आपने, आप प्रेशर में थे, हम लोग कल भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आप अनड्यू प्रेशर ले लेते हो कि इस पाकिस्तान से तो हमें हारना नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ हर कोई हमें एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम जीतेंगे जीतेंगे। लेकिन शायद जो दो मैचेस में आप हारे हैं, जो दो बड़े मैचेस थे, उसने आपके दिमाग से वो हवा निकाला होगा कि हम बड़ी टीम हैं, हम हार ही नहीं सकते, हमें जीतना ही होगा, वो शायद अब आप पे उतनी उम्मीदों का बोझ नहीं है कि आपको हारना जीतना ही जीतना है, थोड़ी चीज़ें इवेंट आउट हुई। और पाकिस्तान को मैं तो छोटी टीम नहीं कहूंगी, क्योंकि जिन्होंने आपको हरा के बाहर किया है वो छोटी टीम नहीं है सर। और हम यही गलती करते हैं शायद कि पहले ही सामने वाले को छोटा 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 कह देते हैं, और इसी को ओवर कॉन्फिडेंस में आप हम लोग बाहर हो जाते कंट्राडिक्टरी हैं। बातें कर रहे हो, उसे छोटी टीम नहीं बोल रहे हो, फिर भी कह रहे हो कि दो बल्लेबाजों के अलावा उनके पास है नहीं। इंडियन मीडिया पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के चर्चे एक बार फिर नजर आने लगे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान अब छोटी टीम नहीं है। पाकिस्तान टीम ने दो बार भारत को शिकस्त दी, पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में और दूसरी दफ़ा एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को बाहर किया। अब भारत पर पाकिस्तान टीम का प्रेशर होगा, लेकिन भारत को इस बार प्रेशर से निकलना होगा, नहीं तो एक बार फिर पाकिस्तान भारत के वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब तोड़ देगी। अब वो ये पाकिस्तानी पुरानी टीम नहीं है जो आपसे आसानी से हार जाएगी, ये पाकिस्तानी टीम लड़ना जानती है। पाकिस्तान की बॉलिंग वर्ल्ड कप की तमाम टीमों में से सबसे ख़तरनाक है, और बाबर और रिजवान अकेले ही मैच को जितवाने की सलाहियत रखते हैं, जिस तरह उन्होंने 2021 के वर्ल्ड कप में किया था और भारत को इबरकनाक शिकस्त से दोचार किया था। ये पाकिस्तानी टीम किसी भी टीम को हराने की ताकत रखती है। इस पाकिस्तानी टीम को हराने के लिए भारत को अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलना होगी, और इस पाकिस्तानी टीम को भारत के लिए हराना आसान नहीं होगा। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान और हारिस रऊफ जैसे बड़े नामों की मौजूदगी के बाद अब पाकिस्तान को हराना आसान नहीं है। भारत को पाकिस्तान को हराने के लिए अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलना होगी।